हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो कि टैली प्राइम की है, हम टीडीएस की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि टीडीएस की वीडियो आएगी, तो आज हम टीडीएस की ही बात करने वाले हैं। तो देखिए, टीडीएस तो मैंने इनेबल कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये गेटवे ऑफ टैली पर हम है। अगर आपने इनेबल नहीं किया तो यहाँ से F11 प्रेस करते ही ये कंपनी की विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप एंटर प्रेस करते हुए आ जाइए टीडीएस वाले ऑप्शन पे। ये तो जीएसटी है, यहाँ से कंट्रोल ए करता हूँ और आप आ जाइए टीडीएस वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टीडीएस डिटेक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स ये है। यहाँ से वाई प्रेस कर लीजिए, एंटर प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, ठीक है। ये आपके पैन कार्ड से मिलता जुलता एक नंबर होता है, तो ये 10 नंबर यहाँ पे आप डाल लीजिए। उसका नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से ये देवरिया कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया और ये सारी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो टैक्स डिडक्ट करेगा उसका नाम आएगा। जैसे यहाँ पर कोई भी नाम मैं दे देता हूँ, ये नाम दे दिया हमने और तो ये दे दिया हमने, एंटर प्रेस किया डिजिग्नेशन इस तरह से कुछ सीए होंगे ये, तो ये दे दिया हमने और पैन कार्ड जो भी इनका है वो दे देता हूँ। ये एंटर प्रेस किया, यहाँ पर एड्रेस आएगा और ये सब चीजें आप फिल कर लीजिएगा। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करा लेता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, और यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिएगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से टीडीएस आपका इनेबल हो जाएगा। अब हमें चलना है कहाँ, बी प्रेस करना है, आना है जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर के लिए आप कीबोर्ड से फंक्शन बटन F7 प्रेस कर सकते हैं। पहला लेजर देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो एग्जाम्पल हमने टैली ERP 9 में समझाया था वही एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे कमीशन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अगर आप LIC एजेंट हैं या किसी भी तरह के आप इस तरह के एजेंट हैं, तो आपकी जो इनकम होती है कमीशन से वो महीने में अगर 15,000 से ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में आपके कमाई पर टीडीएस कटेगा। तो टीडीएस कैसे कटेगा उसका प्रोसीजर देख लेते हैं। ऑल्ट के साथ सी प्रेस करता हूँ, यहाँ डेबिट लिखा हुआ आ रहा था, यहाँ पर कमीशन मैं ले लेता हूँ, यहाँ कमीशन, ठीक है, तो ये कमीशन कर दिया। एंटर प्रेस करेंगे ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो आई प्रेस करूंगा, यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको दिखाई पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है कमीशन, ठीक है, ये ले लिया हमने। और फिर नॉट एप्लीकेबल करते हुए यहां आ जाइए, जीएसटी को अभी नो रखता हूं, जीएसटी नहीं लगाना है अभी। वैसे चाहे तो आप लगा भी सकते हैं, यहाँ पे मैं नहीं लगा रहा। यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल, तो यहाँ पे यस रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा टीडीएस। यहाँ पे आ जाएंगे, नेचर ऑफ पेमेंट पूछेगा, तो इसमें आपको क्या देना है, यहां पर क्रिएट पर चले जाएंगे। ये टैली प्राइम में बड़ी अच्छी बात है, यहां पर आएंगे तो यहां पर चूंकि हम कमीशन ले रहे हैं तो यहां कमीशन कर देता हूं मैं, कमीशन, ओके, एंटर प्रेस करता हूं। यहां पे सेक्शन 194A कर देता हूं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। पेमेंट कोड वगैरह डाल सकते हैं आप, और यहां पर दे रहा है विद पैन, अगर पैन है तो 10% ही टीडीएस डिटेक्ट होगा, अदरवाइज ज्यादा भी हो सकता है। यहां पर डाल देता हूं, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं 10,000 डाल देता हूँ, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 डाल देता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर ये कोई जीएसटी तो है नहीं, एंटर प्रेस करता हूँ। बैंक की डिटेल अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए। यहाँ पर कमीशन कितना दिया जा रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ 3,00,000 रुपए कमीशन पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्रेडिट आएगा। तो क्रेडिट में क्या करना है आपको, तो क्रेडिट में हमें एक फिर लेजर बनाना होगा, हालांकि लेजर मेरे पास पहले से है लेकिन बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ करता हूँ लोकेश या कुछ भी ऐसे दे देंगे, जैसे मान लीजिए लोकेश ही दे देता हूँ, लोकेश कुमार, ठीक है, तो ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे संडी क्रेडिटर। अब कुछ लोगों का पूछना ये भी है कि संडी क्रेडिटर क्यों होता है यहाँ पे, तो संडी क्रेडिटर यानी कि जो टीडीएस हमारा, जिसके पास हम पैसा देंगे, ठीक है, जो पैसा प्राप्त करेगा उसी पर तो टीडीएस कटेगा, तो ये है वो, ठीक है, तो लाभार्थी है ये। एंटर प्रेस करता हूं इज टीडीएस डिडक्टेबल, तो यस कर देंगे। और यहाँ पर डिडक्टी टाइप में कुछ डाल सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि इंडिविजुअल रेजिडेंस कर सकते हैं या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया और यहाँ पर कंट्री, यहाँ पे पैन कार्ड अगर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है, डिटेल्स इसकी फिलहाल मैं छोड़ता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से लोकेश कुमार जो है इस तरीके से ये आ गया है और अब ये आ चुका है। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे न्यू रेफरेंस करना है, आपको न्यू रेफरेंस ही करना है, ये बात ध्यान रखनी है। एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर फिर क्रेडिट आ रहा है, तो अब यहाँ पर टीडीएस के लिए लेजर हम क्रिएट करेंगे, तो टीडीएस ऑन कमीशन, ठीक है,
कमीशन पर टीडीएस हम काट रहे हैं, तो ये टीडीएस ऑन कमीशन कर दिया। यहां पर थोड़ा सा गैप कर लेता हूं, गैप छूट गया, तो ये हो गया टीडीएस ऑन कमीशन। एंटर प्रेस करेंगे, ये जाएगा किसमें, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहां से डी प्रेस करता हूं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस शो हो जाएगा। ये है टीडीएस, जीएसटी तो है नहीं, तो यहां पर आ जाएंगे, और ये कमीशन ही तो है, तो ये कर दिया हमने और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। तो यहां पर इस तरीके से कमीशन के ऊपर कितना टीडीएस कटा है ये निकल करके आपके सामने आ गया है, आप देख सकते हैं। एंटर प्रेस करूंगा, यहां पर नरेशन डाल सकते हैं, टीडीएस डिडक्टेड, ठीक है, ये हमने दे दिया, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस कर लिया, ये हमारी एंट्री हो गई पूरी। तो इस तरीके से हम टीडीएस की एंट्री बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।